अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शायदा समर। कैसे हैं आप सब? आज हम मजेदार सी और सिंपल रेसिपी लेके आए और झटपट बनने वाली। आज हम बना रहे हैं अनियन रिंग पकोड़ा और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर के साथ बनती है। और उसके लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए होंगी, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक कप बेसन, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून मुझे चाहिए सॉल्ट, और मुझे 1 टीस्पून चाहिए सूखा धनिया कुटा हुआ, और यहाँ पे मैं लूंगी हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून मुझे चाहिए सफेद जीरा। बस इन सारी चीजों को हम मिला के और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये लो, और अब हम पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखे, बस इतना ही थिक चाहिए मुझे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए और ना ही हम इसको मजीद पतला करेंगे, ये बैटर नहीं तो गिर जाएगा। ये देखे बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये लें जी, मिक्सचर हमारा हो गया रेडी। ये लें जी, यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए और उनको मैंने दरमियान में 3 पीसेस करके और मैंने उसके रिंग निकाल लिए थे। ये देखे जी, इस साइज के थोड़े से चौड़े निकाले हैं मैंने, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड क्रम्स 1/2 कप मैंने लिए हुए, और यह अनियन रिंग्स को मैंने ऐड करके और हम इसको ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग करेंगे इस तरह, और उसके बाद हम इसको बहुत ही क्रिस्पी से फ्राई करेंगे। ये देखे जी, ये हो गया। ये देखिए जी, इस तरह करके अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये लें जी, ऑयल हो गया गरम, अब हम अनियन रिंग्स को फ्राई करेंगे और खूबसूरत सा कलर देंगे। ये देखिए जी, 1 बाय 1 करके हम डालते जाएंगे और इनको गोल्डन कलर देते जाएंगे, और मजेदार से हमारे अनियन रिंग्स हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी बनेगी ये। ये ले जी, हमने सारे डाल दिए और ये गोल्डन होना स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, चलें जी, ये गोल्डन होते जा रहे हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। ये देखें जी, खूबसूरत सा कलर इन पे आ रहा है। ये देखें जी, गोल्डन कलर। और हम इनको अभी निकाल लेंगे। ये लें जी, हमारी मजेदार सी रेसिपी अनियन रिंग पकोड़ा हमने कर लिया रेडी, और बहुत ही क्रिस्पी बने और बहुत ही यूनिक रेसिपी। आपने इसको जरूर जरूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं कुकिंग विद शायदा समर के नेम से, और हम मिलेंगे इंशाअल्लाह कल किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।